नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज फिर से एक आपसे एक मुख्य टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज आप एक तो आपके एडमिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि कब आने वाला है और आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर डेट शीट के बारे में भी मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा के कल से डाउनलोड हो गए एडमिट कार्ड, यानी कि आने वाले कल से आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे। और विस्तार पूर्वक बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरठ सीसीएसयू से संबंध कॉलेजों में वार्षिक कोर्सों की परीक्षा को शुक्रवार से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षाएँ 5 मई से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में 4 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार से आपको जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे, और एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया आप सभी को वीडियो बनाकर कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन छात्रों के पास अपना फॉर्म नंबर नहीं है तो फॉर्म नंबर भी आप अपना कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। और दोस्तों आपसे एक बात और, यहाँ पर काफ़ी छात्र परेशान हैं अपनी बैक पेपर डेट शीट को लेकर। तो दोस्तों बैक पेपर की डेट शीट वैसे तो आनी चाहिए अलग से, लेकिन अगर नहीं आती तो उसके लिए मैं आपको समाधान बताता हूँ। देखिए 2 से 4 दिन के अंदर अगर आपकी डेट शीट बैक की आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपका पेपर बैक का कब होगा उसका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने 2 से 4 अपने जो जानने वाले हैं यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में हैं और कॉलेजों में संपर्क रखते हैं उनसे बात किया, तो उनके द्वारा मुझे ये पता लगा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका जो बैक का पेपर होगा वो उस दिन होगा जिस दिन आपके पिछली यानी कि आपसे एक क्लास कम वालों का जो है वो रेगुलर या फिर प्राइवेट का पेपर होगा। मान लीजिए आप इस बार 3rd ईयर में हैं और 2nd ईयर की आपकी बैक है, तो आपका 2nd ईयर की बैक का एग्ज़ाम उस दिन होगा, उस तारीख में होगा जिस दिन उनका मेन एग्ज़ाम पेपर होगा। अब मान लीजिए आपका शिक्षा शास्त्र का किसी दिन पेपर है, मतलब कि बैक की आपकी शिक्षा शास्त्र की बैक है एजुकेशन की, लेकिन एजुकेशन का 2nd ईयर छात्रों का जो एग्ज़ाम है मेन, मान लीजिए 10 तारीख में उनका एग्ज़ाम है, तो आपकी बैक का एग्ज़ाम भी 10 तारीख में ही होगा। वो आप देख सकते हैं जिस तारीख में 2nd ईयर वालों के और 1st ईयर वालों के मेन एग्ज़ाम की डेट दी गई है उस सब्जेक्ट की, आपका बैक की उस सब्जेक्ट की बैक भी आप, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आपकी बैक भी उसी दिन कराई जाएगी जिस दिन उनका मेन एग्ज़ाम होगा। और डेट शीट अगर आपकी अलग से आएगी आई तो उसमें पता आपको लग ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार जिस दिन आपका पहला पेपर होगा उस दिन आप कॉन्टैक्ट जो है कॉलेज में भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।